आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को मिली सर्वोच्च राहत। INS विक्रांत युद्ध नौका अब नौसेना में प्रवेश के लिए तैयार। जिले में नदिया के पूर्ण रूप से भरने पर चेतावनी। उद्यमबाग के लिए विधायक अभय पाटिल ने 60 करोड़ मंजूर किए। बेलगाम तालुका में बारिश तेज। बेलगाम से धारवाड़ मार्ग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना। कोगनोली से हंचीनाल का मार्ग बना खतरनाक। एल्लूर के स्कूली बच्चों ने पंढरी की वारी मनाई। Chennabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. Strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. The all new Z62. अब समाचार विस्तार से। शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों को अस्थायी राहत मिली है। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश के इस फैसले से शिंदे गुट के बाकी विधायकों को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से स्पीकर को निर्देश दिया है कि वो पूरी सुनवाई होने तक शिवसेना के 16 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर कोई कार्रवाई न करे। मामले की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन भी जरूरी है, इसलिए मामले की सुनवाई कल होगी, ऐसा शीर्ष अदालत ने कहा। शिंदे धड़े को 16 विधायकों को विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले से जुड़े कुल 7 मामलों की सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई के लिए बेंच का गठन करना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि इन मामलों की सुनवाई पूरी होने तक विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। INS विक्रांत युद्ध नौका अब नौसेना में प्रवेश के लिए तैयार। नौसेना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाला स्वदेशी विमानवाहक बोट INS विक्रांत अब नौसेना में प्रवेश के लिए तैयार है। कल रविवार 10 जुलाई को INS विक्रांत का चौथा और अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पास किया गया। समुद्र में विभिन्न उपकरणों का परीक्षण करने के बाद विक्रांत कल कोची बंदरगाह में कोची शिपयार्ड के तल पर लौट आया। विक्रांत को जुलाई के अंत तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। INS विक्रांत नौसेना की सेवा में प्रवेश कर 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाएगा। नौसेना में एक ही श्रेणी के युद्धपोत को समय समय पर एक ही नाम देने की प्रथा है। यदि कोई युद्धपोत पनडुब्बी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी नौसेना में एक युद्धपोत को दिया गया नाम कभी मिटाया नहीं जाता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी कलंकित नहीं होता। नए युद्धपोत के मौके पर विक्रांत नाम बरकरार रहेगा। जिले में नदिया के पूर्ण रूप से भरने पर चेतावनी। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर जिले पर छाया डाल दी है। उत्तरी कर्नाटक के बेलगाम समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कृष्णा नदी इलाके में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर 2 फुट बढ़कर 29 फुट 3 इंच हो गया है। बारिश में मामूली वृद्धि से राधानगरी बांध क्षेत्र का जलस्तर 1 फुट घटकर 32 फुट 7 इंच रह गया है। महाराष्ट्र सिंचाई विभाग द्वारा आज सुबह दी गई जानकारी के अनुसार राजापुर बांध से पानी 5000 क्यूसेक बढ़ गया है
और कर्नाटक में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस बीच अगर कृष्णा नदी में जलस्तर और बढ़ जाता है तो कुरुंदवाड़ के बीच शिरधोम पुल बैकवाटर के कारण जलमग्न हो सकता है। पिछले दो दिनों से पंचगंगा नदी बेसिन का जलस्तर 5 से 6 इंच तक गिर रहा है। कृष्णा नदी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण हर रात 5,000 फीट पानी का बहाव बढ़ रहा है। उद्यम बाग के लिए विधायक अभय पाटिल ने 60 करोड़ मंजूर किए। बेलगाम शहर के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र उद्यम बाग क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने बताया कि इसी के अनुरूप यह विकास कार्य योजना तैयार की जा रही है। उद्यम बाग में सड़क एवं गटर निर्माण के लिए विकास कार्य की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उसी के मुताबिक काम शुरू किया जाएगा। उद्यम बाग में फाउंड्री क्लस्टर की तरफ से भी काम किया गया है, जल्द ही आगे का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। बेलगाम तालुका में बारिश तेज। बेलगाम तालुका क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। नतीजतन तालुका में बल्लारी नाला में बाढ़ आ गई है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। तालुका में धान की फसल के लिए चावल की आवश्यकता होती है, इसलिए किसान तुरंत संतुष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में धाराएं बह गई है और शिवरा से पानी जमा हो गया है। तालुका में मार्कंडेय नदी बह रही है, इसके चलते धान की बुवाई में तेजी आई है। नक्षत्र ने इस साल जून में एक अपवाद के साथ मृग से मुंह मोड़ लिया, सारा तारामंडल सूख गया, लेकिन प्री मानसून बारिश की उपस्थिति के कारण बुवाई का काम ऑटो पायलट है। उसके बाद भी आर्द्रा नक्षत्र ने किसानों को निराश किया। अंतिम चरण में बारिश शुरू होने के बाद किसानों ने शकरकंद के बेलों की बुवाई पूरी कर ली है। पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश हो रही है, नतीजतन आने वाले समय में धान की बुवाई में तेजी आएगी। बेलगाम से धारवाड़ मार्ग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना। धारवाड़ से बेलगाम तक एम्बुलेंस पहुंचाने के लिए सोमवार दोपहर पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया। धारवाड़ के श्री धर्मस्थल मंजुनाथ अस्पताल से बेलगाम के डॉक्टर KLES प्रभाकर कोरे अस्पताल तक परिवहन की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। धारवाड़ की एक महिला को मृत घोषित किया गया। उसके परिवार ने तब अन्य रोगियों के लिए उसके हृदय और अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की घोषणा की। हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी के अनुसार डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद हृदय को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद मांगी गई है। उन्होंने यातायात की सुविधा के लिए सोमवार दोपहर को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में मार्ग की घोषणा की। कोगनोली से हंचीनाल का मार्ग बना खतरनाक। पिछले 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 5-6 साल से कोगनोली हंचीनाल मार्ग बदहाल स्थिति में है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर कीचड़ हो गया है और कीचड़ भरी सड़क के कारण एक युवक को फिसलना पड़ा है। सौभाग्य से युवक को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह से फिसल जाने पर बुजुर्ग नागरिक को अपनी जान या आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि सड़क पर यात्रा करते समय किसी को नुकसान होता है तो क्या जनप्रतिनिधि या प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। एल्लूर के स्कूली बच्चों ने पंढरी की वारी मनाई। एल्लूर स्थित मराठी मॉडल स्कूल की ओर से आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों की ओर से आकर्षक दिंडी समारोह मनाया गया। छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों ने भाग लिया और स्कूल परिसर और गांव में मोर्चा निकाला। स्कूल के छात्रों ने संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, मुक्ताई, विठ्ठल रुक्माई, वारकरी की वेशभूषा पहनी थी। छात्राएं तुलसी पौधे लेकर स्कूल आए थे। इस समय विद्यार्थियों ने ताल मृदंग की माला में अभंग किया। साथ ही नन्हे वारकरियों ने हाथों में ताल और सिर पर तुलसी, गले में तुलसी की माला और हरिनाम का जाप किया। श्री चांगलेश्वरी देवी के मंदिर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्रों को वारकरी संप्रदाय का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका RS नीलजकर ने कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों को मार्गदर्शन किया और स्कूल के सभी शिक्षकों का योगदान रहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगे सुहाने, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना,
मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। आषाढ़ एकादशी के अवसर पर सामाजिक संस्था वन टच फाउंडेशन ने कैंसर से पीड़ित एक बच्चे को सहायता प्रदान की। कोरेगली शाहपुर के रमेश सरोदे के इकलौते बेटे योगेश को गले का कैंसर है और 8,000 से 10,000 इतना खर्च होता है। वन टच फाउंडेशन के अध्यक्ष विट्ठल फोंडू पाटिल को इस बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत अपने दोस्त श्रीनिवास पाटिल को सूचित किया और आषाढ़ एकादशी के अवसर पर कोरेगली में सरोदे के घर गए और बच्चे के इलाज के लिए 8,000 रुपये दान दिया। साथ ही संस्था के सदस्य TD पाटिल सर ने 1 महीने के लिए पर्याप्त अनाज दिया। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्य ज्योतिष हुरुड़े, नारायण कांगले, जयप्रकाश बेलगावकर, विठ्ठल पाटिल और श्रीनिवास पाटिल उपस्थित थे। जो लोग इस परिवार की मदद करना चाहते हैं वे 8886460133 पर संपर्क करें, ऐसी अपील ज्योतिष हुरुड़े ने की। जेल विंग सेंटर की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर संपन्न। जेल विंग सेंटर द्वारा रविवार को सैनिकी सेवा कर्मियों के परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उठाया। इसमें विभिन्न चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। KLES डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल की ओर से रक्तदान शिविर के साथ ही रक्त परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने भाग लिया। देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए शिविर की योजना बनाई गई थी। इसमें बाल रोग विशेषज्ञों और दंत चिकित्सकों सहित सभी प्रकार के विशेषज्ञों को मार्गदर्शन और उपचार प्रदान किया। इससे जरूरतमंदों को इसका लाभ उठाने का मौका मिला। आषाढ़ी महोत्सव गांवों में मनाया गया। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर बेलगाम तालुका गांवों में भक्ति का माहौल बन गया। भक्त विट्ठल के मंदिरों में गए, भजन मंडलों और वारकरियों ने भजन और कीर्तन कार्यक्रमों को आयोजन किया। इसलिए दिन भर मंदिरों में विठू नाम का गजर बजता रहा। आषाढ़ एकादशी ग्रामीण इलाकों में भक्तिमय माहौल में मनाई गई। शनिवार को मंदिरों से तैयारी की गई। प्रातःकाल में विट्ठल रुक्मिणी की प्रतिमा का गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अभिषेक किया गया। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मंदिरों में भजन और कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में वारकरी और ग्रामीणों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर भक्तों को प्रसाद बांटा गया। दर्शन के लिए देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। गोकाक जलप्रपात के दर्शनार्थियों के लिए पुलिस की सूचना। गोकाक जलप्रपात के पास सेल्फी लेने और तस्वीरें लेने का लालच न करें, ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए पर्यटक दूर से ही जलप्रपात के दर्शन करें, ऐसा आवाहन जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल ने किया है। वर्तमान में गोकाक जलप्रपात पर्यटकों से गुलजार है। कई सैलानी आगे बढ़कर सेल्फी ले रहे हैं। झरने के किनारे चट्टानों पर खड़े होकर फोटो लेना और सेल्फी लेना आम बात हो गई है। ये जानकारी कुछ मीडिया प्रतिनिधियों ने जिला पुलिस प्रमुख को दी। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए रविवार को पुलिस प्रमुख डॉक्टर पाटिल ने गोकाक जलप्रपात का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा के मामले में कुछ कमियां देखी। झरने के घटप्रभा और गोकाक तालुका के पास एक लोहे की सुरक्षात्मक दीवार की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर को तदनुसार सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए यहाँ पुलिस की स्थायी उपस्थिति बनाई रखी जाएगी। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम द्वारा हिंडलगा में दवा का वितरण। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम ने हिंडलगा में चिकनगुनिया और डेंगू निवारक दवा वितरित की। कार्यक्रम का आयोजन गांव के महालक्ष्मी मंदिर में किया गया। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जरूरतमंदों के लिए रोग निरोधी गोलियों का वितरण किया गया। रोटरी क्लब के पूर्वाध्यक्ष DB पाटिल उपस्थित थे। क्लब के अध्यक्ष उमेश रामगुरबाड़ी और कार्यक्रम के आयोजक सोमनाथ कुर्चीकर सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की।
जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 34 पर पहुंची। बेलगाम जिले में फिर से कोरोना फैलने लगा है और रविवार को कोरोना के 11 नए मरीज मिले। इससे जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 34 हो गई है। शनिवार को मरीजों की संख्या 23 थी, इसलिए इसमें रविवार को 11 मरीज और जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को बेलगाम और गोकाक तालुका में कुल 11, सोनदत्ती तालुका में 3, बैलोंगल तालुका में 2 और अथनी तालुका में 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ। इस बीच 826 लोगों की स्वैब जांच रिपोर्ट अभी बाकी है। मैसूर उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस फिर से शुरू। कोरोना काल में बंद हुई मैसूर उदयपुर हमसफर एक्सप्रेस सोमवार से फिर से शुरू हो गई है। इस साप्ताहिक एक्सप्रेस बेलगाम से यात्रियों के लिए राजस्थान की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। क्योंकि बेलगाम क्षेत्र में राजस्थानी नागरिक बहुत है, इसलिए उनका आना जाना सुविधाजनक होगा। इस एक्सप्रेस में बेंगलोर, दावणगिरी, हुबली, बेलगाम, मिरज, पुणे, वसई रोड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसूर सहित अन्य स्टॉप होंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।